हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थी लाइफ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अरिस्टोडर्म जीएम क्रीम के बारे में। जानेंगे आप अपने किन किन समस्याओं में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है, पूरी जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट साथ में माइकोनाजोल नाइट्रेट एंड नियोमाइसिन सल्फेट पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसे अरिस्टो कंपनी बनाती है और 10 ग्राम की पैकेजिंग में यह क्रीम आती है। अब इसकी यूजेज की बात करें, आप अपने किन किन समस्याओं में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दाद हुआ है, रिंग वर्म की शिकायत है, खुजली की शिकायत है, लाल लाल दानों के साथ गोलाकार के रूप में दाद बढ़ते ही जा रहा है, तो उस स्थिति में आप अरिस्टोडर्म जीएम क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। शरीर के किसी भी हिस्से में दाद की शिकायत है, खुजली की शिकायत है, तो उस स्थिति में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरिस्टोडर्म जीएम क्रीम का मुख्य इस्तेमाल दाद को दूर करने के लिए, खुजली को मिटाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी प्राइस की बात करें तो 65 रुपये इस क्रीम की प्राइस है। और इस क्रीम की इसे लगाने के बारे में बात करें तो दिन में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं। और सावधानियां रखनी है, इस क्रीम को लगाने के बाद आपको खुजली वाले जगह पे, दाद वाले जगह पे सोप का इस्तेमाल नहीं करना है, साबुन नहीं लगाना है। इस क्रीम से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। फिर भी इसे लगाने के बाद यदि आपको लगाने वाले जगह पे लाल होने की शिकायत है या खुजली बढ़ने की शिकायत है, तो उस स्थिति में इसे लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।